आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज रैना पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी अहम अपडेट आपको सिरसा से दे रहे हैं, जहां पर सिरसा के लिए आज फिर से कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ती नजर आई है। सिरसा में दो कोरोना के पॉजिटिव केस हैं वो और नोट किए गए हैं, लेकिन सुखद बात यह है कि सिरसा में कोरोना से संक्रमित लोकल स्तर पर कोई मरीज नहीं मिला है कि यहीं पर भी किसी तरीके से कोरोना का संक्रमण फैला हो। हाँ जी, ये जरूर है कि बाहर से आए जितने भी लोग थे, चाहे वो गुरुग्राम से लौट रहे हैं, चाहे विदेश से लौट रहे हैं, या फिर किसी भी अलग तरीके से किसी स्टेट से आए हैं, वो लोग जरूर कोरोना के पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि वो तमाम लोग सीधे हॉस्पिटल में आ रहे हैं, वहीं पर अपने आप को क्वारंटाइन कर रहे हैं और अपना सैंपल है वो दे रहे हैं। इसी कड़ी में सिरसा में आज फिर से दो कोरोना के पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जो कि पहला केस 32 वर्षीय जो कि गुरुग्राम से लौटा था और ये डायरेक्टली सीधे सिविल हॉस्पिटल में पहुंचा था और जो कि नोहरिया बाजार के रहने वाला है। दूसरा केस जो कि 30 वर्षीय व्यक्ति है, ये भी गुरुग्राम में काम करता है, दिगतानिया का रहने वाला है और ये दोनों पति पत्नी दो दिन पहले यहाँ पर लौटे थे और उनको भी क्वारंटाइन किया गया था। कुल मिलाकर सिरसा में इस वक्त टोटल अगर केस की बात करें, टोटल संक्रमित आंकड़ों की बात करें सिरसा जिले की, तो यहां पर 52 केस हो चुके हैं और एक्टिव केस की बात करें तो फिलहाल सिरसा में 17 एक्टिव केस जिला में है और अब तक 35 लोग कोरोना से जंग को जीत चुके हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि सिरसा में भले ही पिछले 3 दिनों से हमने देखा कि किस तरीके से बड़ा विस्फोट कोरोना का जरूर हुआ, क्योंकि बाहर से आए लोगों ने मुश्किलें बढ़ाई थी, लेकिन सब लोगों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्वारंटाइन किया गया था, सबके सैंपल आते हुए लिए गए थे, उनको घर जाने की परमिशन नहीं थी। तो अब सिरसा में अब तक 3,312 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और अभी भी 165 लोगों की रिपोर्ट आने का जो इंतजार है स्वास्थ्य विभाग को, और अब तक सिरसा में 3,549 लोगों के जो सैंपल है वो लिए जा चुके। तो कुल मिलाकर सिरसा में टोटल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है वो 50 को पार करता हुआ 52 पर पहुंचा है और इस वक्त एक्टिव केस की बात करें हमारे सिरसा में तो 17 मरीज हैं वो हॉस्पिटलाइज हैं, जिनमें से 14 जो मरीज हैं वो पॉजिटिव हैं और 3 सस्पेक्टेड केस हैं। तो कुल मिलाकर 17 केस सिविल हॉस्पिटल सिरसा में एडमिट हैं। तो ये सिरसा के लिए आज की सबसे बड़ी अहम अपडेट है कि आज भी सिरसा में 2 कोरोना के पॉजिटिव केस पाए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच में खबर ये भी है कि सिरसा से ऐसा कोई भी ट्रांसमिशन आगे नहीं बढ़ पाई है इस पूरे केस के मामले में, इस पूरे इस कोरोना को लेकर कि कहीं किसी परिवारों से आगे बढ़ा हो, क्योंकि कल बड़ी राहत ये थी, पिछले हमने 24 घंटों में देखा था कि हरियाणा के सिरसा से ही 22 लोग डिस्चार्ज हुए थे, यानी कि लोग कोरोना को मात भी दे पा रहे हैं। हम आपसे अपील करते हैं अफवाहों से बचें, कोरोना से आप सचेत रहते हुए अपने आप को आप सोशल डिस्टेंस में रखें, चेहरे पर मास्क रखें, हो सके तो घर से बाहर ना ही निकलें। कोशिश करें, आपका अगर काम घर पर बैठे चल सकता है तो आप घर से बाहर ना जाएं और पैनिक क्रिएट भी ना करें, अफवाहों से बचें। और प्रशासन की तरफ से CMO हमारे जो सुरेंद्र नैन साहब की तरफ से भी अपील की गई है कि लोग सहयोग करें आप अफवाहों से दूर रहते हुए, क्योंकि इन चीज़ों से बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलती हैं, बहुत नेग्लिजेंसी फैलती है, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचती है। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं और इस मौके पर मीडिया से एड्रेस होते हुए CMO साहब ने पूरी डिटेल दी है, उनका क्या कुछ कहना है, क्या जिलावासियों से उन्होंने अपील की है, आपको वो सुनवाते हैं। कल जिला सिरसा में एक 32 साल का व्यक्ति गुड़गांव से आया था और वो सीधा आकर के उसने टेस्ट करवाया, वो नोहरिया बाजार से बिलोंग करता है और उसका टेस्ट पॉजिटिव पाया गया, उसे कोविड हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया है। दूसरा लेट नाइट के अंदर 30 साल का एक व्यक्ति और आया, वो भी गुड़गांव से आया था, वो दिंगदानिया से विलेज से संबंधित है और उसके साथ में उसकी वाइफ भी है और वो टेस्ट पॉजिटिव है उसका, उसे कोविड हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया है। उसकी वाइफ सिम्टोमेटिक है, उसका टेस्ट आज कराया गया है और टेस्ट के आने के बाद पता चलेगा। अभी तक टोटल एक्टिव केस हैं वो 52 हैं और टोटल रिकवर केस है उसमें 35 हैं और नेगेटिव जो केसेस आए हैं 3,312 हैं और अवेटेड हैं 165। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मास्क का अपना इंतजाम रखें और बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें, अन्यथा बाहर ना निकलें, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आओ हम सभी मिलकर के शपथ लें कि हम कोरोना को भगाएंगे और कोरोना से के बचने के लिए जो जो उपाय सरकार ने सुझाए हैं उन पर हम अमल करेंगे। धन्यवाद।